यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगली बड़ी खबर नोएडा से, जहां शादी में अब सिर्फ 100 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। कोरोना को लेकर यह फैसला लिया गया है। पहले 200 लोगों को जाने की इजाजत थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसको लेकर यह अहम फैसला नोएडा प्रशासन की तरफ से लिया गया है। नोएडा डीएम सुहास एलवाई ने ये आदेश जारी कर दिया है। चूंकि नोएडा से सटे दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए एहतियातन नोएडा प्रशासन भी अब बड़े कदम उठा रहा है ताकि कोरोना को रोका जा सके। रविंद्र जयंत हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, शादी को लेकर फैसला ले लिया गया है, आगे और भी कुछ अहम फैसले देखने को मिल सकते हैं कोरोना के रिगार्डिंग? जी प्राची, बताना चाहूंगा जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मामले एकदम से उछाल आया, लगातार कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज थे वो बढ़े, दिल्ली से सटे जो गेटोना में नोएडा में जो है लगातार जो आंकड़े थे लगातार बढ़ रहे थे। पहले जो जो प्रशासन ने लॉकडाउन के बाद एक कोविड-19 के चलते एक नियम लागू किया गया था कि 200 लोग ही जो है शादी समारोह जो भी होंगे आउटडोर इंडोर तो उसमें 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे, लेकिन अभी जो आंकड़े जिस तरह से बढ़े हैं जिसमें डेथ जो रेशियो है जो वो भी ज्यादा बढ़ गया है, तो उसी को लेके जो जिलाधिकारी डीएम सुहास ने एक आदेश जारी किया है। अभी जितने भी जो कार्यक्रम होंगे उनमें सिर्फ 100 लोग ही जो शामिल हो सकेंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, अहम फैसला है ताकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नोएडा में रोका जा सके। शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी के। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ।